पेरिस के ओपेरा हाउस में मशरकी यूरोप के एक नामवर मौसीकार ने परफॉर्मेंस के लिए आना था। ओपेरा के तमाम हॉल्स और गैलरीज के टिकट बिक चुके थे और तमाशाई कॉरिडोर और सीढ़ियों पर खड़े होकर भी मौसीकार की परफॉर्मेंस देखने के लिए बेचैन थे। शो का टाइम हो गया। पेरिस के शायकीन अपने शानदार लिबास में खुशबू लगाकर ओपेरा हाउस पहुंच गए और बेताबी से मौसीकार की परफॉर्मेंस का इंतज़ार करने लगे। लेकिन फिर इंतज़ार की घड़ियां तवील होने लगीं। वक्त गुजरता चला गया और ओपेरा हाउस में बैठे मर्द और जन बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक पर्दा उठा और शो का मुंतजिम माइक थाम कर उदास लहजे में बोला, खवातीनों हजरात, मैं दिली दुख के साथ ऐलान करता हूँ, हमारे महबूब मौसीकार को दिल का दौरा पड़ गया। हमारा स्टाफ उसे अस्पताल ले गया है। हमें अफसोस है, आप उसका फन देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन इंसान कुदरत के कामों में दखल नहीं दे सकता। बहरहाल, हमारे पास पेरिस का एक नौजवान मौसीकार मौजूद है। ये मौसीकार भी उतना ही खूबसूरत वायलन बजाता है जितना अच्छा वायलन सुनने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस नौजवान को परफॉर्म करने का मौका दीजिए, आप मायूस नहीं होंगे। उसके साथ ही मुंतजिम ने एक गैर मारूफ नाम लिया और एक 30-32 साल का जवान शख्स वायलन लेकर स्टेज पर आ गया। उसने वायलन बजाना शुरू किया लेकिन वो तमाशाइयों को मुतासर ना कर सका। लोग बोरियत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे या आपस में सरगोशियां करने लगे। वो जवान मौसीकार वायलन बजाता रहा, जब थक गया तो दांत के लिए हाल में मौजूद लोगों के सामने बार बार झुकने लगा, लेकिन हाल में एक खौफनाक खामोशी थी। मौसीकार मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा लेकिन फिर अचानक मेहमानों की गैलरी से एक बच्चा उठा। वो सीट पर खड़ा हुआ और पूरी रफ्तार से तालियां पीट पीट कर नारे लगाने लगा, यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल, मैंने आज तक इतना अच्छा वायलन नहीं सुना, वेल डन पीटर, वेल डन पीटर। मौसीकार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने होंठों पर उंगलियां रख कर बच्चे को हवाई बोसा दिया और लोगों के सामने झुक गया। हाल में मौजूद खवातीनों हजरात ने मेहमानों की गैलरी में खड़े बच्चे की तरफ देखा, उसे दीवानावार तालियां पीटते पाया तो उन्हें महसूस हुआ मौसीकार की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। चुनाचा हाल में मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी सीटों से उठे और दीवानावार तालियां बजाना शुरू कर दी। ये सब लोग वेल डन पीटर कह रहे थे। वो जवान मौसीकार सारी रात वायलन बजाता रहा और तमाशाई उसके एजाज में तालियां पीटते रहे, यहाँ तक कि रात के पिछले पहर वो जवान पेरिस का मकबूल तरीन वायलन नवाज बन चुका था। उसका नया कैरियर शुरू हो चुका था और उसका ये कैरियर 8 साल के एक बच्चे की तालियों का मरहूने मिन्नत था। हम सब इंसान हैं और इंसान के लिए दांत तालियां वेल डन, शाबाश, बहुत खूब और आपने कमाल कर दिया जैसे लफ्ज ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। हम जिंदगी में जो कुछ करते हैं, हम रोज़ाना जिस मुशक्क़त से गुजरते हैं और हम सुबह से शाम तक पेशे फन और काम की जो स्लेब कंधे पर उठा कर फिरते हैं, उसका एक ही मकसद होता है, वेल डन, वाह जी वाह, शाबाश और क्या बात है। बस हमारी सारी जिंदगी, हमारी सारी मुशक्कत इन चंद लफ्ज़ों से बंधी होती है। इंसान और जानवरों में सिर्फ तख्लीक का फ़र्क होता है। इंसान ने अपनी हर महरूमी को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के ज़रिए शिकस्त दे दी जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सके। मसलन अल्लाह ताला ने इंसान को रात दी, इंसान ने मशल, चिराग, मोमबत्ती और बरकी कम कमे के ज़रिए उस रात को दिन में बदल दिया। कुदरत ने इंसान को खुले आसमान के नीचे नंगी ज़मीन पर पैदा किया, उसे पसीने की बू दी, उसे नंगे बदन और नंगे पांव ज़मीन पर भिजवाया, उसे कमज़ोर टांगें और बग़ैर पंजों के पैदा किया, उसकी जिल्द को नरम रखा और उसके जिस्म को, परों, सर को, सींग और मुंह को तेज़ नोकीले दांतों से महरूम रखा। लेकिन इंसान ने अपनी इन तमाम महरूमियों को खौफनाक हथियार, तेज़ रफ्तार गाड़ियों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मजबूत जूतों, दीदा देव कपड़ों,
खुशबूदार साबुन, शैम्पू और परफ्यूम जलजला प्रूफ घरों, हवाई जहाज़ों और छतरियों की इजाद से दूर कर लिया, जबकि इंसान के मुकाबले में दुनिया का कोई जानवर आज तक कोई मकान बना सका, ना कोई जहाज़ बना सका, पिज़्ज़ा इजाद कर सका, ना शैम्पू इजाद कर सका और ना ही कोई टूथपेस्ट करना सीख सका। दुनिया के पहले इंसान और आज के 21वीं सदी के इंसान की लाइफस्टाइल में 7 आसमान का फ़र्क है, जबकि दुनिया की पहली भेड़ और आज की 21वीं सदी की भेड़, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की भैंस और आज की सुपरसोनिक और लेज़र एज की भैंस के लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं। भैंस कल भी भोली थी और ये आज के पिज़्ज़ा दौर में भी चारा ही खा रही है। ये फ़र्क इंसान और जानवर के लिए है, लेकिन ये फ़र्क पैदा कैसे हुआ? ये फ़र्क तालियों, शाबाश और वाह जी वाह का मरहून मिन्नत है। इंसान में दूसरों को मुतासर करने की खौफनाक ख्वाहिश मौजूद है। ये अपनी शोहरत को टाइमलेस बनाना चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि सदियों बाद भी जब उसका नाम लिया जाए तो लोग सीटों से उठकर तालियां बजाएं। हम जब उस 8 साल के बच्चे की तरह अपनी सीट पर खड़े होकर किसी के लिए तालियाँ बजाते हैं या वेल डन बुश या शाबाश बशीर कहते हैं, तो उसके हौसले को एक सेकंड में 18वां गियर लग जाता है। उसके अंदर मौजूद आइंस्टाइन महरूमी के छलके पर ठोंके मारने लगता है और उसके अंदर का बिल गेट्स वतन की दीवारें छीलने लगता है। आप दुनिया के नामवर लोगों की हिस्ट्री देख लें, आपको हर शख्स की ज़िंदगी में 8 साल के बच्चे जैसा कोई ना कोई मदाह मिलेगा, जिसने सीट से उठकर उसके लिए वेल डन का नारा लगाया होगा और उस एक नारे ने उसकी सारी तलखियों, उसकी सारी महरूमियों के सारे दाग धब्बे धो दिए होंगे।